आप देख रहे हैं भारत प्लस देश की बात। नमस्कार, भारत प्लस में आपका स्वागत है। कोरोना के कहर के बीच चौसा महादेव घाट से लाशों के मिलने का सिलसिला ऐसा चला कि बक्सर के चौसा से लेकर बम्पर प्रखंड के नैनी जोर तक लाशों का अंबार लग गया है। दरअसल चौसा के बाद भी गंगा में लाशों के मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा है। अगर ताजे मामले पर गौर किया जाए तो बक्सर प्रखंड में ही स्थित बड़का गांव से लगी गंगा नदी में दर्जनों लाशें दिखाई दे रही हैं। वहीं बम्पर प्रखंड के बड़की नैनीजोर घाट और बिहार के घाट पर भी पड़ी हुई लाशों को प्रशासन के द्वारा दफनाया जा रहा है। लोगों से पूछने पर पता चला कि यहां पर लोग आते हैं और कहते हैं कि लाशों को डुबो दिया जाए तो हम उनको डुबो देते हैं और कोई भी प्रशासन यहां पर रोकने वाला नहीं है। तो संक्रमित बॉडी है सब। हाँ, हम लोग बरिजते हैं कि हम मत परवाह कीजिए। हाँ, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। हाँ, लोग आते हैं ऐसे ऐसे कर कर फेंक देते हैं। हम लोग के बरिजने के बाद भी प्रशासन भी यहाँ माने कभी काल आ जाती है। तब प्रशासन आती है तो लोग कुछ नहीं करते हैं। प्रशासन चली जाती है तो लोग जो जो जो, जो जिसको जो करना है वो अपना काम दाह सत्कार करके चला जाता है। लोग पत्थर और फैली लेकर लोग लाते हैं और ले जाकर परवाह कर देते हैं। नैनीजोर घाट पर बस से लाश को डुबो रहे व्यक्ति का कहना है अभी तक इस गंगा नदी में लगभग सैकड़ों लाशें बहती हुई आई हैं। सरकारी अधिकारियों ने इस बारे में कुछ अपनी अलग ही राय पेश की है। इस पर बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये लाशें किसकी हैं? बक्सर जिला अधिकारी ने कहा था यूपी की लाशें बक्सर में आ रही, तो ऐसे में ये लाशें किसकी हैं? हम लोग को जो है आज जो है करीब 30-35 जो बॉडी की महादेवा घाट पे जो है वहाँ पे ऊपर आने की सूचना प्राप्त हुई है। उसके बाद हम लोगों ने जो है SDO के स्तर से जो है उसकी हम लोग छानबीन भी कराए हैं और वो और SDO साहब जो है वो गंगा के जो अपस्ट्रीम है जो ऊपर की साइड है उधर भी जाकर उन्होंने देखा है और वहाँ पाया गया है कि जो है अपस्ट्रीम साइड से भी जो है वो बॉडी आ रही हैं। बक्सर का जो है बॉडी जो है वो बक्सर का नहीं है, वो प्रवाह होकर आ रहा है और जो भी प्रथम दृष्टया जो हमारी टीम है जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें यह है कि लाश जो है लगभग 2-3 दिनों का है और आप अगर नॉर्मल देखेंगे कोई बॉडी अगर जहाँ डुबाया जाता है और प्रवाह में जो है उसी जगह वो ऊपर नहीं आएगा, तो इसका बक्सर में हम लोगों को आ रहा है और चूँकि वहाँ पर घुमाव भी है तो जो अपस्ट्रीम से जो भी बॉडी आ रही है वो चूँकि घुमाव होने के कारण जो है वो यहाँ पर अटक जा रही है। तो हम लोग जो है बाकी जो ज़िले हैं हमारे जो नेबरिंग स्टेट के उनसे भी हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और अभी जो विधिवत जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो डेड बॉडी का जो सम्मान होना चाहिए उसको हम लोग करेंगे और जो पुलिस की जो कार्रवाई होगी इंक्वेस्ट का है या PM करना हो या जो भी सैंपलिंग जो विधिवत होनी चाहिए वो हम लोग करके बॉडी को जो है सम्मानपूर्वक डिस्पोज। गंगा नदी में बहती हुई इन लाशों को देखकर बक्सर में रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई है कि आखिर ये लाशें बहकर आई हैं तो क्या इनसे कोरोना हो सकता है। इस प्रकार की दहशत बक्सर के लोगों में फैल गई है। इधर गंगा जी में दिख रही हैं 10-12 लाशें जो दिख रही हैं उसका ये पता किया गया कि गंगा जी में ही दूर से प्रवाहित होकर वो लाशें आई हैं और वो हमारे घाट की तरफ और किनारे पर लग गई हैं जिसका डिस्पोजल हम लोग अभी करवा रहे हैं। उनको हम लोग दफन करवाएंगे। कहाँ से बहकर बहती हुई लाशें कहीं दूर से आ रही हैं जैसे देखने में आ रहा है कि गंगा जी के किनारे हर 200 मीटर 100 मीटर की दूरी पे लाशें लगी हुई हैं क्योंकि इस शमशान घाट की ये लाशें नहीं हैं। यहाँ पे करीब 40-50 लाशें आके लगी हुई हैं। देश दुनिया की ऐसी जानकारियों के लिए आज ही आप हमारे चैनल भारत प्लस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।